नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी बैंगलोर और राजस्थान के बीच खेला गया है रोमांचक मैच पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2021 के 43वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने थे और इस वीडियो में हम आपको इस मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, दुबई में आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और टीम में काइल जेमिसन की जगह जॉर्ज गॉटन को डेब्यू का मौका मिला। वहीं राजस्थान रॉयल्स की टीम में जयदेव उनादकट की जगह कार्तिक त्यागी को फिर से जगह मिली। दोस्तों, पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत काफी अच्छी रही और पावर प्ले में राजस्थान ने बिना विकेट खोए 56 रन बना लिए। वहीं दोस्तों, पहले विकेट के लिए एवेन लुइस ने यशस्वी जयसवाल के साथ 77 रन जोड़े। राजस्थान के दोनों सलामी बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और आरसीबी के गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे। हालांकि फिर 9वें ओवर में डेनियल क्रिश्चियन ने जयसवाल को आउट करके टीम को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद राजस्थान के लिए एविन लुइस ने 37 गेंदों में 58 रनों की धुआंधार पारी खेली और संजू सैमसन के साथ मिलकर टीम को 11वें ओवर में ही 100 रन के स्कोर तक पहुंचाया। लेकिन दोस्तों, फिर 12वें ओवर में 100 के स्कोर पर उन्हें जॉर्ज गॉटन ने चलता किया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए महिपाल लोमरोर भी 13वें ओवर में 113 के स्कोर पर सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें चहल ने अपनी गुगली पर फंसाया। दोस्तों, यहां से राजस्थान की पारी लड़खड़ाने लगी। संजू सैमसन भी 15 गेंदों में सिर्फ 19 रन बनाकर 14वें ओवर में आउट हो गए। उन्हें शहबाज अहमद ने आउट किया और राजस्थान रॉयल्स को चौथा झटका दिया। दोस्तों, फिर उसी ओवर में 117 के स्कोर पर राहुल तेवतिया भी सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद 17वें ओवर में 127 के स्कोर पर लियाम लिविंगस्टोन भी सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि इस आईपीएल में एमपीएल पर फैंटेसी क्रिकेट खेलने पर आपको आईफोन भी मिल सकता है और ये कोई एक बार का ऑफर नहीं है, रोज एक आईफोन दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, एमपीएल पर आप ग्रैंड कॉन्टेस्ट में एंटर करके लाखों रुपए जीत सकते हो। अब टीम बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी क्योंकि एमपीएल पर आपको दीपदास गुप्ता जैसे एक्सपर्ट्स मिलते हैं जो हर मैच की टीम आप लोगों के लिए बनाकर देते हैं। अभी तक मैं 22 टीमें बना चुका हूं, जिसमें से कल मेरी 15वीं टीम ने मुझे 10,000 रुपए जिता दिया। आज मैं कम से कम 25 टीमें बनाकर खेलूंगा। चलो दिखाता हूं आज की टीम कैसी बनाई है। स्क्रीन पर देख सकते हो मेरी आज की टीम। तो वेट किस बात का कर रहे हो, आप भी बनाओ एमपीएल पर टीम और जीतो मेरी तरह हजारों रुपए। दोस्तों, एक समय राजस्थान का स्कोर 11 ओवर में 100 रन था और ऐसा लग रहा था कि वो आज 200 रन के आंकड़े तक पहुंच जाएंगे, लेकिन आरसीबी के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मैच में वापसी की। हर्षल पटेल ने राजस्थान की पारी के आखिरी ओवर में 2 गेंदों पर 2 विकेट चटकाए। हालांकि वो यहां हैट्रिक से चूक गए पर आखिरी गेंद पर एक और विकेट लेने में कामयाब रहे। दोस्तों, इस तरह राजस्थान ने 20 ओवर के बाद मैच में 8 विकेट पर 149 रन बनाए और बेंगलोर के सामने जीत के लिए 150 रन का लक्ष्य रखा। आखिरी 10 ओवर में रॉयल्स ने सिर्फ 58 रन बनाए। आरसीबी की तरफ से हर्षल पटेल ने 3, युजवेंद्र चहल और शहबाज अहमद ने 2-2 और जॉर्ज गॉटन और डेनियल क्रिश्चियन ने 1-1 विकेट लिया। दोस्तों, इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी को कोहली और पडिक्कल की जोड़ी ने एक बार फिर शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पहले 5 ओवर में ही 48 रन ठोक दिए, लेकिन फिर मुस्तफिजुर रहमान ने राजस्थान को पहली सफलता दिलाई। उन्होंने छठे ओवर में देवदत्त पडिक्कल को आउट कर ये सफलता हासिल की। पडिक्कल 17 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, बेंगलोर की टीम राजस्थान के खिलाफ तेज शुरुआत के बाद बैकफुट पर आती दिख रही थी। बेंगलोर के दोनों ओपनर अब डगआउट लौट चुके थे। पडिक्कल के बाद राजस्थान ने विराट कोहली का बड़ा विकेट भी गिरा दिया जो 25 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें रियान पराग ने एक शानदार थ्रो पर रन आउट किया। दोस्तों, उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल और शिखर भरत ने आरसीबी की पारी को संभाला। हालांकि राजस्थान के गेंदबाज भी कसी भी गेंदबाजी कर रहे थे और आरसीबी के बल्लेबाजों को आसानी से रन बटोरने नहीं दे रहे थे। हालांकि दोस्तों, इसके बाद श्रीकर भरत और ग्लेन मैक्सवेल ने अपने गियर बदले और लगातार बाउंड्रियां बटोरी और 13वें ओवर में आरसीबी को 100 रनों तक पहुंचाया। इसके बाद दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए शानदार अर्धशतकीय साझेदारी भी हो गई। आरसीबी को जीत के लिए अब 40 गेंदों में सिर्फ 40 रनों की जरूरत थी, जो कि आसान लग रहा था क्योंकि आरसीबी के हाथ में अब भी 8 विकेट थे और धुआंधार बल्लेबाज एबी डिविलियर्स का आना अभी भी बाकी था। दोस्तों, आरसीबी के दोनों बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आज श्रीकर भरत अलग ही लय में दिख रहे थे और आसानी से बाउंड्री बटोर रहे थे। हालांकि 16वें ओवर में वे मुस्तफिजुर की गेंद पर आउट हो गए। भरत ने 35 गेंदों में 44 रनों की शानदार पारी खेली। इस समय आरसीबी का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 127 रन था। आरसीबी को आखिरी 4 ओवर में जीत के लिए सिर्फ 23 रनों की जरूरत थी। इसके बाद 17वें ओवर में मैक्सवेल ने अपना गियर बदली और ओवर में 22 रन बटोर लिए और इसी के साथ 30 गेंदों में अपना लगातार दूसरा अर्धशतक भी पूरा कर लिया।
उनके शानदार अर्धशतक की बदौलत बेंगलोर ने दुबई में खेले गए मुकाबले में राजस्थान को 7 विकेट से हरा दिया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस मैच का हीरो कौन है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। और अभी तक MPL पर टीम नहीं बनाई तो जल्दी जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से ऐप डाउनलोड करो और टीम बनाओ। और हाँ, आईफोन जीतने का मौका है तो जल्दी डाउनलोड करो।